तो हाय गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज है सोमवार, सावन का सोमवार, छठा है या पांचवा है, तो मेरा फास्ट है। जब भी हो, जब तक सोमवार चलेंगे तब तक बढ़ती है। तो चलिए, अब बच्चे स्कूल है और बच्चे आज आप लोगों को शाम को ही मिलेंगे। तो घर की पूजा हो गई है और चलिए इस बार जाएंगे हम। शायद मैं भी नहीं गई उस मंदिर में, तो फर्स्ट टाइम होगा उस मंदिर में जाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ पड़ोसी के भाभी के साथ, तो सीधा आपको मंदिर में ही मिलेंगे। आ जाना ना उधर है, बस सुनिए। ठीक है तो रखे आना है मम्मी। ठीक है ये राम मंदिर। मैं इसको घर समझ रही थी, भाई बोले तो घर। शाबाश बेटा। अरे अच्छा, घर ऊपर होगा पीछे अच्छा, ये आगे भी नहीं गए हो। तो गाइस हम लोग मंदिर से आ गए हैं और मैं घर का काम निपटाती हूँ। घर का काम वैसे पड़ा हुआ है, कपड़े कुपड़े सब। मैं मन पहले आज काम निपटाने से पहले गई थी, नहीं तो मैं काम निपटाने के बाद जाती हूँ मंदिर, लेकिन आज पहले ही चली गई थी। तो कोई बात नहीं, पहले मैं काम निपटाती हूँ फटाफट, फिर मिलती हूँ। A few moments later. तो चलिए गाइस, खाना बनाने की तैयारी करते हैं शाम के लिए। और पहले सबसे पहले मैं दाल छौंकूंगी और फिर उसके बाद जो भी होगा तो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। चलिए अभी मैं फिलहाल दाल छौंक रही हूँ। शाम के लिए भोग के लिए एक मीठा बनाएंगे, बाकी नमकीन ही होता है तो बस। बाकी जो गले बनाते हैं तो वही बनाएंगे। अभी मैं फिलहाल दाल बना रही हूँ। दाल बनाने छोंकने के बाद उसमें उसी प्रेशर कुकर में मैं क्या बोलूँगी, भात चढ़ा दूंगी बस। और फिर एक साइड सब्जी छोंक दूंगी, देखते हैं फिर। तो गई दाल छोंक दी है और मैं अब भात चढ़ा रही हूँ इसमें। तो बस अभी फिलहाल दो चीज़ बना रही, फिर दो चीज़ फिर बनानी है तो उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो गई शाम के खाने की तैयारी हो गई है, मतलब तीन चीज़ें बना दी हैं मैंने, सब्जी दाल भात, और बस सबसे बड़ी चीज़ रह गई है महादेव के भोग के लिए, जो एक मीठे में बनना है। तो मैं आज बना रही थी पहाड़ी डिश, और पहाड़ी डिश है वो हमारे पहाड़ी पिनवे। और तो हम पिनवे, मतलब मैं बना रही हूँ वाइट वाले पिनवे। तो वाइट वाले पिनवे के लिए चाहिए हमें झंगोरा और चावल का आटा और गेहूँ का आटा। तो मैं सफ़ेद वाले बना रही हूँ चावल के आटे और गेहूँ के आटे और झंगोर जो भी है उसमें जो आप ऐड करना चाहते हैं तो उसका बना रही हूँ। लेकिन तो चलिए मेरे साथ उसके पिनवे बनाने के लिए। तो गाइज हमें पहाड़ी पिनवे बनाने के लिए चाहिए आटा। तो मेरे पास है चावल का आटा और गेहूँ का आटा, लेकिन हमारे जौन सर में बनाते हैं इसको, जो मंडुए का आटा होता है उससे बनाते हैं, वो जो काले काले, लेकिन ये सफ़ेद बनते हैं गाइस, क्योंकि ये चावल के आटे के हैं तो ये बनेंगे उससे सफ़ेद। और जो मंडुए के आटे के होते हैं वो बनते हैं ब्लैक। और इसका जो हमें आटा है, इसको आटा गूंदने के लिए हमें गुनगुना पानी चाहिए। तो चलिए मैं इसका डो तैयार करती हूँ, आप फिर मिलती हूँ।
तो गाइज मैंने आटा गूंद लिया है, हो गया तैयार। अब इसको 5-10 मिनट के लिए हम ऐसे ही रख देंगे ढक्के या डोंगे में, और तब तक चलिए आगे की प्रिपरेशन करते हैं किचन में, चलिए। तो गाइस आटे के बाद हमें दूध चाहिए पीने बनाने के लिए, तो दूध रखते हैं गैस पर। आगे शुगर ऐड करेंगे, अपने जितनी आपकी क्वांटिटी है उस हिसाब से ऐड करिएगा। और अच्छा फ्लेवर के लिए मैं इलायची डाल रही हूँ, 4-5 इलायची, इसको कूट के। और मैं शुगर ऐड कर रही हूँ जितनी आपको चाहिए होगी, अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। क्योंकि जितने मीठे होंगे उतने ही अच्छे लगते हैं। ये इलायची 5-6 इसकी वो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, स्मेल ना। और मैं ये भी डाल दूंगी इसमें, इसके वो भी। तो चलिए इसको उबाल आने देते हैं, बॉयल होने देते हैं ढंग से, फिर डालेंगे उसमें जो हमने डो तैयार किया है, जेम्पिन में बोलते हैं। तो चलिए अभी इसे गर्म होने देते हैं 5-10 तब तक। तो गाइस जब तक दूध उबलता है तब तक हमने जो आटा गूंदा है उसकी गोलियां बनाएंगे इसमें डालने के लिए। रोई छोटी छोटी सी गोलियां बनानी है, इतनी इतनी थी। तो चलिए हम तब तक ये गोलियां बनाते हैं और तब तक दूध उबल जाएगा हमारा। तो चलिए हम गोली बनाते हैं। तो गाइस वो गोलियां बना दी है हमने, पूरे जो हमारा पूरा आटा था वो गूंदा हुआ, तो उसकी हमने गोलियां बना दी है। देखो इतनी बनाई, इतनी बनी है। तो आपको जितना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे आज, तो बस उस हिसाब से बनाएं। तो बस आप लोगों को जितना पसंद है तो उतना बनाइए, जितना खाना है जितने लोग हैं उतने ही बनाइएगा। तो चलिए हमारा दूध भी उबल गया, अब इसमें डालेंगे जो ये। सारे डाल देंगे इसमें और ये अपने आप पकेंगे फिर। तो गाइस पिनवे सारे डाल दिए। तो गाइस इस पिनवे को हमें जब तक पकाने, जब तक ये सारा दूध बिल्कुल वो लिक्विड की तरह ना बने ना, वो बिल्कुल गाढ़ा ना बन जाए, तो बस हमें तब तक पकाना है इसको। और आप लोग इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, नारियल वगैरह, काजू बादाम, ये सब ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है गाइस। आपके पास है तो डालो, नहीं है तो मत डालो, क्योंकि हमारे पहाड़ों में तो सिर्फ ये है कि कोदो का आटा गूंदा और दूध रखा और डाल दिया। और इसको वैसे भी बनाते हैं जैसे खेंडा बनाते हैं हमारी तरफ ना, घुमा के पका के पहले आटा पकाते हैं फिर बनाते हैं उसकी रोई ना, ये छोटी छोटी रोई गोलियाँ फिर डालते हैं उसमें। तो जब तक ये पक रहा है तो ऑप्शनल है इसमें, ज़रूरी नहीं कि आप लोग वही चाहिए, आपके पास ड्राई फ्रूट हो तभी बना सकते हैं आप लोग पिनवा, जो आपके पास अवेलेबल हो वो बनाओ, उससे ज़्यादा रियलिटी जो है वो बना। तो ठीक है, मेरे पास नारियल था पर लेकिन इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है, नहाना भी है इसके बाद, रोटी भी बनानी है। तो चलिए हमारा ये पक गए हैं अब, तो देखते हैं कैसा बना है। तो गाइस ये रहे हमारे पिनवे, तो पिनवे हो गए तैयार। और ये रहा वो सारा दूध सूख गया, मतलब उसकी पूरी खीर बन गई। देखो जो पिनवे डाले थे उसमें आटे की रोई डाली थी, गोलियां, देखो सारा इसके ऊपर मतलब लग गया है, कहीं कहीं दिख रहे, बाकी खीर ही खीर है उसकी। दूध की जो बनती है ना कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। देखिए मैंने डोंगे में निकाल दिया है भोग के लिए, अब मैं भोग लगाऊंगी भगवान के लिए, अपने आप नहाने जाऊंगी अभी। तो देखिए कैसे अच्छे लजीज से बने हैं, मैं दिखाती हूँ एक बार उठा के, देखिए इस तरह से खाते हैं इसको, बहुत टेस्टी होते हैं, मजा आया गाइस ये ना। तो चलिए आप लोग भी बनाइए, जरूर बनाइए, और बना के बताना कैसे बने हैं आप लोगों के। तो तब तक तो देखिए गाइस कितने लजीज बने हैं हमारे पहाड़ी पिनवे। तो बस इसी तरह से होती है हमारी पहाड़ी डिश, ये पहाड़ी में कुछ अलग ही बात होती है गाइस। तो चलिए ये, और ये वाले आप लोग अगर अचानक कभी मेहमान भी आ जाए तो आप सोचे क्या बनाऊं इस महंगाई में, तो बस दूध सबके घर में होता है, आटा भी होता है, चीनी भी होती है, तो बस जल्दी से दूध रखिए गैस पे और ये बना दीजिए, और मेहमान भी खुश, आप भी खुश। नहीं तो चलिए मेरे पिनवे अच्छे बने हैं, और बाकी इसमें ऑप्शनल है, आपको जो डालना है डालो, नहीं डालना है तो कुछ मत डालिए, पिनवे तो पिनवे ही है।
नहीं, उसका नाम तो पिन्नू ही है। और मैं अब जा रही हूँ मैं नहाने, और आप लोगों से मिलूंगी अब सीधा पूजा, और जब कन्या माता आएगी तो इस बार मैं आप लोगों को सीधा कन्या माता जिमाते हुए नहीं देखूंगी, थोड़ा उनका क्योंकि उनके टेस्ट चल रहे हैं तो उनको जल्दी जल्दी जिमाना है, तो आप लोग बस उनका थोड़ा सा डांस दोस्त देख लेना क्योंकि वो बहुत मज़े करते हैं, पर ये इस बार उनके टेस्ट चल रहे हैं तो बस थोड़ी ही मिलेगी आप लोगों को वीडियो में, बच्चे भी क्योंकि बच्चे स्कूल थे तो बस आप लोगों बच्चे भी शाम को ही मिलेंगे। गाइस आ गई है कन्या जूडी, बिंदास वाला लगाओ, बहुत अच्छे गाने आते हैं उसमें, चाचू चाचू मेरा अच्छा है। अब ठीक सर एक्सी मटक मटक वाह वाह भाई, देखो क्या दिख रहा है उस लड़की का। मैं आई मुझे हां ना इधर आ, मैं तुम दाल, और ये है वो पिनवे जो पिनवे बनाए थे, देखो कितने टेस्टी बने हैं। सानी है सब्जी, और ये बने हैं भात। तो चलिए नहीं करेगा मैं, क्यों रे पागल है क्या तू? नहीं रे एक्सेल के काम करने का रे उसमें, और नहीं जमेगा मेरे को। क्यों नहीं जमेगा तेरे को? अरे वो एक्सेल है और मेरा साइज स्मॉल है ना। स्मॉल सी बारिश के साथ होगी प्राइजेस की बौछार, जीतो एक्साइटिंग प्राइजेस, भाग लीजिए इन द कॉन्टेस्ट 9XM। Recently saw night whisper. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो गाइस हमने खाना खा लिया है और अब हम सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करिए और इनका भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो कल टेस्ट है इसलिए फटाफट जा रहे हैं, नहीं तो ये बहुत मस्ती मारते हैं। तो चलिए अगले सप्ताह के इनका अगली बार के लिए इनका पेपर खत्म हो जाए, और ये तो आपको पता ही होगा हम क्या करना है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। ओ वाह वाह वाह, बाय 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 बाय।